भाई बहन के रिश्तों का पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में यूं आप देखेंगे एक सिंपल जो डोर है वो भी रिश्तों को मजबूत बनाता है, लेकिन जिस तरह से बाजारों में देखेंगे तो 500 से अधिक किस्म की अलग अलग जो राखियां हैं वो बाजारों में उपलब्ध है और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे रक्षाबंधन जो है राखी जो है अलग अलग शेप में है और बहनें जो हैं अपने भाइयों के लिए राखी लेने पहुंची हैं। इधर आप देखेंगे दीदी, थोड़ा आपसे बात करेंगे और रक्षाबंधन है किस तरह से तैयारी है और क्या आप ले? ये तो रक्षाबंधन मैं अपने कान्हा जी के लिए ले रही हूँ। अच्छा। जिस तरह मेरे पास भाई नहीं है तो मैं उन्हें कान्हा जी को अपना भाई मानी हूँ, तो उनके लिए खरीदारी कर रही हूँ, बस इसी से मैं खुश हो जाती हूँ। ये बताइए कि बदलते समय में कितना बदला है राखी का पर्व? कुछ खास तो बदला नहीं है, जितना बदलना चाहिए। ये परंपरा जो है सदियों से चलते आ रही है, सदियों से चलती आ रही है, वही चीज है। बाकी ये देखिए, आप देखेंगे अलग अलग किस्म की जो राखियां हैं वो यहाँ पे आप देख सकती हैं, काफी अट्रैक्टिव है। ये देखेंगे कुछ अलग है, अलग शेप में है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये रुद्राक्ष इसमें लगा है, तो कहीं ना कहीं जहाँ रिश्तों का पर्व है तो वहाँ थोड़ा एक आस्था को भी कनेक्ट किया गया है। अलग अलग कलर की जो राखियाँ हैं वो खूबसूरत हैं, और ये देखेंगे जो छोटे बच्चों को भी काफ़ी ये पसंद आता है, तो ये कार्टून वाली राखी है जो छोटे बच्चों को काफ़ी लुभाता है। तो यहाँ आप देखेंगे अलग अलग वेराइटीज़ की। भैया ये बताइए यहाँ किस किस तरह की राखियाँ हैं? राखियाँ तो सारी तरह यहाँ पर ही है। देखिए जैसे लुम्बा हो गए, देखिए ये जो है ना, ये लुम्बा है, भाभी अगर भैया को राखी बांधते हैं तो ये अपने भाभी को भी राखी ये बांध सकते हैं, है ना। ये देखिए चूड़ी राखी है, ये देखिए जो है ना, ये चूड़ी राखी होती है, ये वाली भाभी के लिए बांधा जाता है। ये सब विशेष कल के देखिए, सबसे बड़ा देखिए मन में उत्सव है सर, उत्सव। देखिए मन में अगर प्यार है, भाई बहन का अगर प्यार है तो उत्सव बढ़ी हुई है, तो इस परंपरा इस चीज को निभाया जाता है। पर ये बताइए यदि दाम की बात करें तो दाम किस तरह का है? दाम तो नॉर्मल है, 20 रुपये से शुरू है, 20 के है, 20 रुपीज की भी राखी मिल जाएगी आपको, 30 के मिलेगी, 40 के मिलेगी, 120 का, 100 का, मतलब समझिए कि 20 रुपीज से लेकर आपके 200 तक में बड़ी से बड़ी राखी मिलती है। इसमें कोई ऐसा कोर्स नहीं पड़ता है इसमें, ये तो 10 रुपये की भी राखी है। एक कच्चे धागा के अगर मैं आप एक मोली से भी अगर 5 रुपये खरीद कर बंधन बांध दीजिए तो वो एकदम अटूट बंधन है। ये आप देखेंगे जो खूबसूरती है, और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ लोग पहुँचे। भैया ये बताइए रक्षा, चलिए आप बताइए रक्षा, एक मिनट दीदी ये बताइए, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे दीदी। जी अच्छा बंधन है, कैसा है राखियाँ, कैसा पसंद कर रही हैं? मेरे को अभी बहुत मजा आ रहा है, राखी खरीदने आई हूँ इसीलिए, और बस खुश हूँ मैं। अब तो देखते हैं कि सोने और चांदी की भी राखियाँ बाजारों में उपलब्ध। मेरे हिसाब से तो जो मौली बांधते वही कच्चा धागा ही एक्चुअल रक्षाबंधन का राखी होना चाहिए, वो तो बस कमर्शलाइज कर रहे हैं राखी को सोना और चांदी करके। धागा यही है मेन, रक्षाबंधन का मेन धागा तो मौली ही है। भी अपने भाई के लिए भेजी? हाँ, उसी के लिए तो खरीदने आई हूँ मैं आज ही। क्या तैयारी है घरों में, किस तरह से तैयारी है? घर में मिठाई वगैरह अच्छा सा डेकोरेशन की हूँ, भाई का इंतजार है इसलिए आज उसी खुशी में मैं आई हूँ यहाँ पर राखी लेने के लिए। देखिए खुशी भी है, और अपने भाई के हाथों के कलाई में एक मौली धागा भी आप बांधते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन जिस तरह से बाजारों में जो बाजार का जो मूवमेंट है, हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की जो राखियां हैं वो लोगों को अट्रैक्ट भी करती हैं, और यही वजह है कि बाजार भी पर्व त्यौहार को लेकर अपनी उत्पाद को बनाता है। लेकिन भाई बहन के रिश्तों का जो पर्व है वो रक्षाबंधन, एक मौली धागा बांधकर भी आप रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं।
समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार रांची।